लैन तो तू पैरों पे गिर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेफ मीडिया। मैं हूं अभिषेक। तो दोस्तों, फाइनली अजय देवगन सर की मच अवेटेड मूवी भोला का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोला मूवी के बारे में और इसके ट्रेलर का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, अजय देवगन सर फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ साथ फिल्मों को डायरेक्ट करने का भी शौक रखते है। अपने डायरेक्शन के इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने काफी फिल्मों में अपना डायरेक्शन दिया है, जिसमें कुछ वेल नोन मूवीज है जैसे सिवाय, रनवे 34 और हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म भोला। तो दोस्तों, अजय देवगन सर अपनी हर फिल्मों में अपने डायरेक्शन को एक लेवल ऊपर ले जाकर ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें हम भोला के ट्रेलर की, तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भोला फिल्म एक अडेप्टेशन है ब्लॉकबस्टर मूवी कैथी का, जिसमें आपको सुपरस्टार कैथी देखने को मिले थे और जिस मूवी को डायरेक्ट किया था लोकेश कनकराज ने, जिनका हाल ही में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनने वाला है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को भोला फिल्म कैथी का रीमेक लगती है, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में रीमेक का मतलब टोटली कॉपी पेस्ट होता है और अडेप्टेशन में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। और भोला फिल्म में अजय देवगन ने कैथी जैसी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी को एक लेवल ऊपर ले जाकर ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और अगर मेरी मानो तो आप भोला फिल्म को देखते हुए बिल्कुल भी कैथी को याद ही मत करना, आपको टोटली मजा आएगा भोला फिल्म को देख कर ही। तो दोस्तों, ट्रेलर के स्टार्टिंग में अजय देवगन सर और तब्बू के बीच एक बातचीत होती है, जिसमें वो कोई डील कर रहे होते हैं और वहीं से हमको वाइब आ जाती है कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि तब्बू प्लस अजय देवगन इज इक्वल टू ब्लॉकबस्टर। तो भैया, ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, इस फिल्म में क्या नहीं है, इस फिल्म में सब कुछ है। एक्शन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिल है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये परफेक्ट मास एंटरटेनर मूवी होने वाली है दोस्तों, और गारंटीड ये मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी और नए नए रिकॉर्ड बनाएगी। वाकई में दोस्तों, अजय देवगन सर के दिमाग को हमको मानना पड़ेगा, उनके जो विजन है एक फिल्म को बनाने का वो बिल्कुल हटके है। उन्होंने इस फिल्म में हर एक डाली है जो इस फिल्म में होना चाहिए था। इस फिल्म के विलन से लेकर इस फिल्म का जो इमोशनल सीन ले लो या इस फिल्म के एक्शन सीन ले लो, अब अपनी अपनी जगह पर एकदम फिट हो रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म की यूएसपी यही है कि इस फिल्म में बहुत सारे विलन हैं, वो सभी एक एक करके सामने आ रहे हैं। फिल्म की कहानी क्या है ऐसी होगी, ये ट्रेलर देख के तो कोई जज कर ही नहीं सकते। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और इस ट्रेलर की एक बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इस फिल्म में जो अभिषेक बच्चन है उनके कैरेक्टर को रिवील नहीं किया है, जो कि बहुत बेनिफिट देगा इस मूवी को, क्योंकि यही वो एक सस्पेंस होगा जिसके लिए ऑडियंस थिएटर तक खींची चली आएगी। दोस्तों, इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में आपको अजय देवगन सर, तब्बू तो देखने को मिलेंगे, साथ में अन्य कलाकार भी देखने को मिलेंगे जो कि काफी अच्छी तरीके से अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अमेजिंग रोल लगा हमको दीपक डोबरियाल का। जी हाँ दोस्तों, उस बंदे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, बाल बढ़ा दिए, आंखों में काजल डाल दिए और वो बंदा विलन में इतना सूट कर रहा है कि उसको देखकर ही गुस्सा आता है, और यही विलन की क्वालिटी होनी चाहिए एक मूवी में। दोस्तों, इस फिल्म में अजय देवगन सर तो खतरनाक एक्शन कर ही रहे हैं, चाहे वो बाइक से हो, ट्रक पे हो या त्रिशूल वाला हो, सारे एक्शन सीन एक से बढ़कर एक लगे। लेकिन इसमें अजय देवगन सर के साथ साथ तब्बू मैम के भी एक्शन सीन काफी ज्यादा खतरनाक है। ये एक सीन देखिए जिसमें ट्रक आगे आ रही है और उनकी पुलिस की वैन जिसमें तब्बू मैम खड़ी है गन लेकर वो रिवर्स में जा रही है, क्या सीन होने वाला है, सीटियां और तालियां बजेगी दोस्तों इस सीन पे। तो हाँ दोस्तों, वीएफएक्स की थोड़ी सी कमी लगी लेकिन फिर भी वो इग्नोरेबल है। सारे बाइक सीन्स मुझे काफी ज्यादा पर्सनली पसंद आए हैं। इस फिल्म में एक छोटी बच्ची भी दिखाई जाती है, उसका कनेक्शन अजय देवगन सर से है, इस फिल्म को इमोशनल टच देने का काम करेगा। साथ ही इसमें एक आइटम सॉन्ग भी होने वाला है और आप लोगों को हंसाने के लिए यहाँ मिश्रा जी भी है। और दोस्तों, हमारे अभिषेक बच्चन जिनका फेस अभी तक रिवील नहीं किया गया है इस मूवी में, उसके लिए आपको थिएटर ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी एक कम्प्लीट मास एंटरटेनर मूवी है, मुझे इस ट्रेलर में कोई कमी नजर नहीं आई। मेरे हिसाब से इस ट्रेलर को 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए। तो ये मूवी आपको 30 मार्च 2023 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। दोस्तों, अपने माइंड में इतना सा भी डाउट ना रखकर सीधे थिएटर भागना इस मूवी को देखने के लिए, गारंटीड आप बिल्कुल भी निराश होकर नहीं आओगे। इसी तरह भोला से जुड़ी और भी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, जिसका नाम है AGF मीडिया। मैं अभिषेक, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।